बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्रिएटिव सॉल्यूशंस बी के चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि हम स्कीम अपलोड कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे फिजिक्स साइंस टेंथ पेयरिंग स्कीम की। तो बहुत इजी सी है टेंथ पेयरिंग स्कीम फिजिक्स की, और इसमें चंद चीज़ें आपको बताता चलूँ। लेकिन उससे पहले तीन मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए स्कीम है, और उसके अलावा मुआवनत के लिए सर उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज से जी नीचे हदायात के लिए, ये वही हदायात है जो आप हर दफ़ा पढ़ते हैं। ये स्कीम तमाम बोर्ड को मद्देनजर रखकर बनाई गई है। पेपर दी की स्कीम से मुख्तलिफ भी हो सकता है। साझा कुशाई को मुकम्मल सिलेबस तैयार करवाएं, गुजारिश है। बाकी स्कीम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। 90% इंशाल्लाह कंफर्म है। गेस्ट पेपर हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर दस्तियाब होंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन नतज के असूल के लिए हमारे इदारे का टेस्ट सेशन फॉलो करें। मजीद रहनुमाई के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बर रास्त अपनी राय से आगा करें। फेसबुक पेज, व्हाट्सएप, जी मेल, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप वहाँ पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं जी स्कीम की तरफ। देखें जी, सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे जो MCQs हैं, ऑब्जेक्टिव जो है वो 50% आपके एक्सरसाइजेस से आएंगे और 50% बुक से आएंगे। आपको पता है कि इस दफ़ा 20% जो पेपर है वो क्रिएटिव बनाया गया है, ठीक है। तो वो जो क्रिएटिव बनाया गया वो आपको इधर नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट आ जाए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें शॉर्ट आने हैं, वो इंशाल्लाह 14, 15 और 18 में से होगा। कोई पता नहीं कहाँ से कितने क्वेश्चन वो उठाते हैं, इसका भी फिलहाल आप Can't explain. Now, अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो वो है 11वां, 13वां और 17वां, इसमें से उठाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें चैप्टर नंबर 10, 12 और 16, यहाँ से वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा, ठीक है। अब आपको बेसिकली मेन पता होना चाहिए कि लॉन्ग कहाँ से आना है, जिसके लिए स्कीम का ज़्यादा होता है। तो चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें से 10वां, 12वां और 16वां जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 10, 12, 16 इसमें से न्यूमेरिकल और थ्योरम मिक्स, कहीं से भी वो न्यूमेरिकल उठा सकता है, कहीं से भी मेरे भाई थ्योरम उठा सकता है। कोई पता नहीं है कहाँ से क्या उठाने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आपने फोकस रखना है 10, 12, 16 पे। आगे आ जाए 11, 13, 17 पे, तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे भी वो न्यूमेरिकल थ्योरम उसने मिक्स रखा हुआ है। कोई पता नहीं कहाँ से उठा सकता है, कहाँ से न्यूमेरिकल ले सकता है। चैप्टर नंबर 11 से भी न्यूमेरिकल ले सकता है, 13 से भी, 17 से भी, थ्योरम भी ले सकता है। सो वी कांट एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 यहाँ से भी न्यूमेरिकल और थ्योरम मिक्स आ सकता है। एन मीन्स न्यूमेरिकल और जी मीन्स थ्योरम मिक्स आ सकता है। कोई पता नहीं वो कहाँ से उठाने वाला है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों आपके साथ भी शेयर करिएगा, ताकि आपके शेयर की वजह से हो सकता है किसी स्टूडेंट का भला हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी हमारी